उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अंसल वैली पीड़ित को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने अंसल वैली पीड़ित सचिव प्रवीण भारद्वाज को सुरक्षा देने के आदेश प्रशासन को दिए। इस आदेश पर प्रवीण भारद्वाज ने कोर्ट का धन्यवाद करते हुए खुशी जाहिर की। अंसल वैली पीड़ित सचिव प्रवीण भारद्वाज ने बीजेपी पार्षदों की गुंडागर्दी के खिलाफ शासन प्रशासन सभी से गुहार लगा ली, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। पीड़ित के परिवार को पार्षद के गुंडों से खतरा है, जिस कारण सचिन भारद्वाज ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए पुलिस को उनके परिवार को सुरक्षा देने के आदेश दिए। हाई कोर्ट के इस आदेश पर प्रवीण ने कहा कि पुलिस उनके परिवार को राजनीतिक दबाव के कारण सुरक्षा नहीं दे रही थी, अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सुरक्षा मिलने का भरोसा है। पुलिस राजनीतिक दबाव में पूरी मैनेज है, जिस कारण पुलिस थे ना किसी भी प्रकार की मेरे परिवार को सुरक्षा नहीं देना चाहती है। इस कारण भी मैंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, माननीय न्यायालय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट से मुझे कल रिलीफ मिल गया। हाईकोर्ट ने SSP को और SHO को ऑर्डर करा कि इनके पूरे परिवार को समुचित पुलिस व्यवस्था दी जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरी परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस से सुरक्षा दिलाने के लिए पुलिस को आदेश करा हाईकोर्ट ने, जिसके लिए मैं अपने हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।